आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकृति जैन, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। हम जो चर्चा कर रहे थे वो है NEP 2020 पे, इसके जनरल ओवरव्यू पे हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो थी, उसमें हमने जाना था NEP 2020 कब लॉन्च हुई, कैसे लॉन्च हुई, उसके पिलर्स क्या क्या हैं, उसका फोकस एरिया क्या है, उसके टाइमलाइन क्या हैं, उसके हाइलाइट्स क्या हैं और उसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। अब इन टॉपिक्स के बाद आगे के विषयों पे हम आज इस वीडियो में अभी चर्चा करेंगे। तो हम अब जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है प्रपोज्ड चेंजेस बाय NEP 2020, यानी क्या क्या बदलाव हैं जिसकी अनुशंसा NEP 2020 के द्वारा की गई है, या NEP 2020 के लागू होने के बाद कौन कौन से जो बदलाव हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है शैक्षणिक प्रगति का पुनर्गठन या रीस्ट्रक्चरिंग एकेडमिक प्रोग्रेशन। जैसे कि हम जानते हैं अभी तक हम सब 10+2+3 की प्रणाली को हम जानते आए हैं, लेकिन अब इस नई जो NEP जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत ये चार चरण हम देख सकते हैं। पहला है मूलभूत चरण, जो कि शिक्षा के पहले 5 साल 3 से 6 साल की उम्र की बच्चों के लिए मूलभूत चरण होंगे, जिसमें कि KG से कक्षा एक से दो तक के छात्र होंगे। इनका पाठ्यक्रम जो रहेगा वो काफ़ी हद तक खेल आधारित शिक्षा शास्त्र पे आधारित होगा। मूलभूत चरण के बाद जो अगला चरण है वो है प्रारंभिक चरण। ये 8 से 11 आयु वर्ष के छात्रों के लिए होगा और जो कि कक्षा 3 से 5वीं तक के होंगे। प्रारंभिक चरण के बाद अगला चरण जो है वो है 11 से 14 आयु वर्ग के छात्रों के लिए, जो कि क्लास 6 से 8 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। लास्ट जो है माध्यमिक चरण, वो है 14 से 18 आयु वर्ग के छात्रों के लिए, जो कि क्लास 9 से 12 के लिए है। तो इस प्रकार से जो शैक्षणिक जो हमारे चरण थे उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है और ये 4 चरणों में उसको डिवाइड किया गया है। तो जो नई शिक्षा प्रणाली है उसका प्रमुख लक्ष्य स्कूल स्तर पर ड्रॉप आउट जो रेट है उसको कम करना है, एनरोलमेंट को बढ़ाना है और शिक्षा की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करना है। अभी तक एक जो सर्वे था वो ये बताता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो फैसिलिटीज हैं उसको जानने के लिए एक ही सर्वे किया गया था, जो ये बताता है कि 18.6% स्कूल ऐसे हैं भारत में जहाँ की टॉयलेट हैं, साथ ही 51% जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है, साथ ही 5% ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पानी की ही व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा 47.7 यानी लगभग 48% स्कूल ऐसे हैं सरकारी स्कूल जहाँ की खेल मैदान जो है, प्लेग्राउंड जो है, उसकी फैसिलिटी नहीं है उपलब्ध। फिर है NEP जो बोलता है कि यहाँ तो हमने अभी देखा कि ये हमारी स्थिति है एक्चुअल, अभी जो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं उसका डेटा ये बोलता है, लेकिन NEP इसी को सुधारने की बात करती है। NEP कहती है कि 2040 तक, NEP का क्रियान्वयन होने के बाद तक जो उसकी टाइमलाइन दी गई है, उसके जो लक्ष्य हैं उसके तहत स्कूल का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होना चाहिए, यानी एक स्कूल बिल्डिंग होगी, उसी पूरे कैंपस में उसकी अपनी एक लाइब्रेरी होगी, उस स्कूल के बच्चों के लिए एक हॉस्टल होगा, उस स्कूल में साइंस लैब्स होंगे, इसके अलावा जो स्टाफ हैं उनके रहने की व्यवस्था होगी, या आप दे सकते हैं प्ले एरिया होगा और आने जाने की फैसिलिटीज़ होगी। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये स्कूल कैंपस में होनी चाहिए, ये NEP का लक्ष्य है। इसके बाद
नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCF जिसकी हम बात करते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर के, ये जो क्रेडिट ट्रांसफर है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये हायर एजुकेशन के हिसाब से है, ये उनके लिए नया क्रेडिट ढांचा छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रत्येक वर्ष क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है जो उन्हें एक विशिष्ट योग्यता के लिए योग्य बनाएगा। जैसे अगर आप कोई भी एक कोर्स करते हैं, एक कोर्स आपने किया वो 2 क्रेडिट का होगा, चाहे 4 क्रेडिट का होगा, चाहे 8 क्रेडिट का होगा, तो आपने कितने क्रेडिट अर्न किए हैं इसके आधार पे आपकी अर्हता जो है वो निर्धारित होगी। क्रेडिट फ्रेमवर्क ने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम भी पेश किए हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं और क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, जिससे अनिवार्य रूप से हर डिग्री अत्यधिक लचीली और अनुकूलन योग्य हो जाएगी। फिर ढांचे ने एकेडमिक बेंच बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसको हम ABC भी बोलते हैं, इस प्रणाली को जन्म दिया है। इसके तहत छात्र विभिन्न संस्थानों और कार्यक्रमों में क्रेडिट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें पाठ्यक्रमों के बीच ट्रांसफर करने या अंतराल के बाद शिक्षा फिर से शुरू करने में उच्च स्तर का लचीलापन मिलता है। अगर आपने किसी एक संस्थान में फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है तो आपको, आपके लिए अब ये कंपल्शन नहीं है किसी के लिए भी कि पूरे 3 साल या पूरे 6 सेमेस्टर वो उसी संस्था से करें। आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद, सेकेंड ईयर में एडमिशन से पहले आप उस संस्था को छोड़ सकते हैं और नई संस्था में जा सकते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ क्रेडिट जो लिमिटेशंस हैं वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, यहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए भी और दूसरी जगह में एडमिशन के लिए भी। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जा सकते हैं बीच में छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, घर बैठ गए हैं किसी कारणवश, नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो आप वापस भी आ सकते हैं और जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप यहाँ से छोड़ के, कोई भी जहाँ आपने एडमिशन लिया है वहाँ से छोड़ के अगर आप दूसरी संस्था में जाते हैं, वहाँ के बाद अगर आप फिर वापस आना चाहते हैं तो दोबारा वापस भी आ सकते हैं या किसी और संस्था में भी जा सकते हैं। इतना लचीलापन NEP 2020 के द्वारा दिया गया है। साथ ही विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए ABC ID दिया जाता है, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उनको डिग्री दी जा सके। जब आप एडमिशन का फॉर्म भरे होंगे यहाँ पे या किसी भी संस्था में, अगर आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन फॉर्म भरा होगा तो ABC ID बनाने के लिए आपको कहा गया होगा कि आपकी ABC ID क्या है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको बनाना है। तो वो ABC ID एक प्रकार से आपकी एक स्टूडेंट का एक आइडेंटिफिकेशन होगा कि वो ID ये बताएगी कि ये जो छात्र है वो कब, कहाँ, किस जगह पे पढ़ाई किया है, उसने क्या पढ़ा है, उसने जो क्रेडिट अर्न किए हैं उस कोर्स को करके वो क्या है। तो आपका पूरा जो प्रोफाइल है वो आपका ABC ID बता देगा। साथ ही जो जिस एरिया में बदलाव प्रस्तावित किया गया है NEP के द्वारा, वो है बहुभाषिता, भारतीय भाषा को बढ़ावा देना NEP का प्रमुख फोकस है। पाठ्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना, ये उसमें लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जहाँ तक संभव हो शिक्षा को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दिए जाने की बात की गई है। ये भारतीय भाषाओं पर जोर देने वाली जो पुरानी शिक्षा नीतियां हैं उसको ही इसमें भी आगे बढ़ाया गया है, पुनरावृत्ति की गई है। शैक्षणिक पाठ्यक्रम को विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने और जहां भी संभव हो सभी भाषाओं में मूल्यांकन और परीक्षा को संभव बनाने की भी पहल इसमें की गई है। सिर्फ पढ़ाए जाने की ही बात नहीं की गई है, सिर्फ मटेरियल उपलब्ध कराने की बात नहीं की गई है, ये भी ध्यान रखा गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपकी जो भाषा है, स्थानीय भाषा या मातृभाषा, उसमें उपलब्ध हो सके। साथ ही आप आंसर भी जो है अपनी ही उसी भाषा में लिख सकें।
अगला जो बदलाव किया गया है, प्रपोज किया गया है, वो है भारतीय संस्कृति, इंडियन नॉलेज सिस्टम। NEP 2020 में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही जो पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र है, उसके माध्यम से NEP शिक्षा में सांस्कृतिक, इतिहास, कला, भाषाओं और परंपराओं के बारे में जानकारी के बड़े एकीकरण की कल्पना करता है। इसके अलावा इसकी मुख्य भावना बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना है, ताकि उनको अपनी पहचान और अपनेपन की भावना के साथ साथ अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना करने की समझ प्रदान की जा सके, वो ये समझ सकें कि जिस प्रकार हमारी जो संस्कृति है और हमारा इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार दूसरों की भी संस्कृति और इतिहास उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और उनका भी आदर किया जाना जरूरी है। इसके अलावा जो इसकी सबसे प्रमुख जो इसकी हाईलाइट माना जाता है NEP 2020 का, वो है इसका मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ड्रॉप आउट रेट को कम करने के साथ साथ एक संरचित पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शिक्षा योग्यता के साथ साथ छात्रों को सशक्त बनाने के लिए NEP ने उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के लिए द्वार खोले हैं। NEP के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उनको उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर आपने 2 सेमेस्टर करके आपने BSc में अगर एडमिशन लिया, लेकिन 2 सेमेस्टर करके अगर आपने छोड़ दिया, तो वो 2 सेमेस्टर आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं जाएगा। अगर आप 2 सेमेस्टर करके आप छोड़ते हैं, तो उसके अनुरूप भी डिग्री और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था NEP के तहत की गई है। जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इसके बाद आपको डिग्री दी जा सकेगी, डिग्री लेने के पहले या सर्टिफिकेट लेने के पहले आपको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी, वो ये है कि 3-year UG program, 4-year UG program। कुछ डिवीजन इसमें किए गए हैं, कोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है, जिनको नाम दिया गया है मेजर कोर्स या कोर कोर्सेज, फिर मेन स्ट्रीम, माइनर स्ट्रीम के कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी एनहैंसमेंट कोर्सेज, स्किल एनहैंसमेंट कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज कॉमन फॉर ऑल UG, समर इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन। तो जो ये जो आपको दिख रहा है 60-24, ये क्रेडिट्स हैं कि अगर 3-year UG program अगर किसी को पूरा करना है, तो मिनिमम 120 क्रेडिट्स आपको अर्न करने होंगे। और वो 120 क्रेडिट्स भी ऐसा नहीं है कि आप कोर सब्जेक्ट के ही पूरे 120 आप वहीं से अर्न कर सकते हैं, नहीं। इसके लिए आपको माइनर स्ट्रीम से 24 अर्न करने पड़ेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी से 9, एबिलिटी एनहेंसमेंट से 8 क्रेडिट। इस प्रकार अलग अलग क्रेडिट आपको अलग अलग जो कैटेगरी हैं वहाँ से अर्न करना पड़ेगा। 4-year UG program के लिए ये 160 है, टोटल 160 क्रेडिट होना चाहिए। ये जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ब्रॉड एरिया पे है। इंस्टीट्यूशन वाइज इसमें समय समय पे बदलाव किया जाना भी संभव है। अगला जो है कि छात्र अध्ययन के किसी भी वर्ष से बाहर निकल सकते हैं और उन्हें उस शैक्षणिक वर्ष के लिए अर्जित क्रेडिट के आधार पर योग्यता प्रदान की जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि कोई उम्मीदवार 1 वर्ष के बाद किसी कार्यक्रम से बाहर निकलता है, तो उन्हें स्नातक UG प्रमाण पत्र या अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। यानी कब कोई उम्मीदवार अगर 1 वर्ष के बाद, यानी 4-year UG course में आपने एडमिशन लिया लेकिन सिर्फ 2 सेमेस्टर किए, 1 वर्ष पूरा किया, और अगर आप छोड़ रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं या घर बैठ रहे हैं, वो क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको वहाँ से अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और उसको लेके आप जा सकते हैं। अगर आप 2 साल पूरा करने के बाद छोड़ते हैं, तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल यानी 4 सेमेस्टर।
तीन साल पूरा करने के वाले उम्मीदवारों को यूजी डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। यानी आप पूरे छः सेमेस्टर अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, पूरे जो क्रेडिट है उसको अर्न कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं, तो आपको यूजी डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। और जो ऐसे उम्मीदवार जो पूरे 4 साल का यानी 8 सेमेस्टर का कोर्स अगर आप पूरा कर रहे हैं, तो उनको यूजी डिग्री विथ ऑनर्स प्रदान किया जाएगा। यानी अगर साल भर भी आप रुक रहे हैं, तो वहाँ से आप कोई ना कोई सर्टिफिकेट या डिग्री आप लेके वहाँ से निकलेंगे। इसके अलावा जो अभी हमने यहाँ बात की थी, वही यहाँ चार्ट के द्वारा बताया गया है कि अगर आप मतलब ये अलग अलग लेवल दिए गए हैं, 1 ईयर ऑफ यूजी प्रोग्राम के लिए 40 क्रेडिट रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, 2 साल के यूजी प्रोग्राम के लिए 80 क्रेडिट रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, 3 ईयर्स के यूजी प्रोग्राम के लिए 120 क्रेडिट अर्न करना आपको ज़रूरी है, और 4 ईयर्स के यूजी प्रोग्राम के लिए 160 क्रेडिट अर्न करना आपके लिए आवश्यक है। अगला जो इसने बदलाव की बात की है, वो है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की या बहुविषयक दृष्टिकोण की। एनईपी के तहत अब जो छात्र हैं वो मल्टीडिसिप्लिनरी विषय जो हैं उनको उनका अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही यूजी प्रोग्राम करने वाले छात्र अब प्रमुख या मेजर जो हम बोलते हैं और छोटे विषयों या मेजर डिसिप्लिन और माइनर डिसिप्लिन में वर्गीकृत पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। मेजर डिसिप्लिन ऐसे कोर्सेज होंगे जो उस कार्यक्रम के लिए विशिष्ट होंगे जिसे कोई अपना रहा है। सभी प्रमुख कार्यक्रम मेजर डिसिप्लिन की विषय वस्तु से निकटता से जुड़े होंगे। अगर आपने बीएससी में एडमिशन लिया है तो आपका मेजर डिसिप्लिन जो है वो साइंस स्ट्रीम से ही जुड़ा रहेगा। अगर आपने बीकॉम में एडमिशन लिया है तो कॉमर्स स्ट्रीम से ही जुड़ा रहेगा मेजर डिसिप्लिन के कोर्सेज। इसके अलावा माइनर डिसिप्लिन्स के लिए कोई छात्र अन्य कार्यक्रमों से कोर्सेज चुन सकते हैं जो उनके मेजर डिसिप्लिन के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं या उनकी रुचि के हो सकते हैं। इस प्रकार छात्रों को उच्च शिक्षा में बहुविषयक और अतः विषय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी अगर आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया है तो जो मेजर डिसिप्लिन के कोर्स हैं वो तो साइंस स्ट्रीम के रहेंगे, लेकिन माइनर डिसिप्लिन के जो कोर्सेज हैं वो आप दूसरे स्ट्रीम से भी ले सकते हैं। अगला जो बदलाव एनईपी बताती है जिस एरिया में, वो है सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, जिसको हम सब सीयूटी के नाम से जानते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूटी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के द्वारा 2022 में विभिन्न यूजी पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीय और राज्य डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं को केंद्रीकृत करने के लिए पेश किया गया था। हम सब जानते हैं कि पहले ये था कि हर यूनिवर्सिटी जो है अपने यहाँ अपना अलग टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट लेती थी। अगर किसी स्टूडेंट को बीएससी में एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो हर यूनिवर्सिटी के लिए उसको अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरना पड़ता था, अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट की फीस भरनी पड़ती थी, अलग अलग एग्जामिनेशन देने पड़ते थे उन विश्वविद्यालयों के। लेकिन सीयूटी जो टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके लागू होने के बाद अब स्टूडेंट एक ही जगह पे एक ही फीस पे एक किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। यूजी और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक साझा मंच बनाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण प्राधिकरण या एनटीए के द्वारा कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पी परीक्षा आयोजित की जाती है। ये जो सीयूईटी है उसी की बात की गई है कि सीयूईटी के जो एग्जामिनेशंस हैं वो एनटीए के द्वारा जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसके द्वारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देके वो परीक्षा ली जाती है, और सीयूईटी को विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग और विभिन्नता में किसी भी असमानता को खत्म करने और विश्वविद्यालय कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान अवसर प्रदान करने के कदम के रूप में देखा जा सकता है। हमारे यहाँ अलग अलग बोर्ड्स हैं, किसी राज्य में कहीं कोई स्कूल सीबीएसई का होता बोर्ड का होता है, कोई एसएससी होता है, कोई आईसीएसई होता है, कोई स्टेट बोर्ड होता है, लेकिन जब यूजी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए जब
ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो एक इक्वल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई है इसके तहत, जो कि समान अवसर सारे स्टूडेंट्स को प्रदान करता है। इसके अलावा है संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो बदलाव एनईपी बताती है उसमें एक एरिया ये भी है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और इसी तरह चयनित विश्वविद्यालयों, जैसे कि दुनिया के शीर्ष 100 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से किसी उन यूनिवर्सिटीज़ को अपना कैंपस भारत में संचालित करने की अनुमति भी इसके तहत प्रस्तावित की गई है, कि दुनिया के जो शीर्ष टॉप मोस्ट 100 कॉलेजेस या 100 यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो अपना कैंपस अब इंडिया में खोल सकती हैं। इसके अलावा इसी ये जो पहल की गई है, ये जो एक एरिया खोला गया है, बदलाव किया गया है एनईपी के तहत, उसके तहत एक जो पहल हुई है वो उसी का नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो डिकन यूनिवर्सिटी है उसने अपना अहमदाबाद में, भारत का जो शहर है अहमदाबाद, उसमें एक परिसर जो है अपना कैंपस स्थापित करने की वो योजना बना रही है, जो कि वो गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में वो अपना परिसर अब खोलने जा रही है। अगला जो इसका प्रमुख एरिया है जिसमें इसने बदलाव बताया है वो है व्यावसायिक प्रशिक्षण या वोकेशनल ट्रेनिंग के एरिया में। एनईपी के तहत व्यावसायिक शिक्षा को सभी माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक पेशकशों में एकीकृत किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य व्यावसायिक अध्ययन और ब्लू कॉलर नौकरियों से जुड़ी उम्मीद को खत्म करना है। स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएंगी, जो अन्य स्कूलों को इन सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगी। साथ ही वर्ष 2013 में जो प्रोग्राम शुरू किया गया था बीवोक डिग्री, जिसको हम बोलते थे, उसको औद्योगिक इनपुट के साथ कौशल आधारित नौकरियों के आसपास प्रशिक्षण और अकादमिक ज्ञान प्रदान करने के लिए नए 4 साल के प्रारूप में ये जारी करेगी। यानी इंडस्ट्री यानी कॉरपोरेट सेक्टर्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, व्यावसायिक इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इनको कोलैबोरेट करके रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, नए स्किल्स डेवलप करना, ताकि वो जब बाहर जा निकलें अपनी डिग्री के साथ तो खाली उनके पास अकादमिक ज्ञान ना हो बल्कि कौशल भी हो, जिससे कि वो अपने आगे का जो जीवन है वो बिता सकें। अगला जो एरिया प्रपोज किया गया है चेंज, जिसमें वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ। एनआरएफ का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभाग और अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाना है। एनआरएफ विशेष रूप से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस और अनुसंधान संस्थाओं को में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को विकसित करने पे ध्यान देने की इसमें बात की गई है, कि सारे कोई भी संस्था हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हो चाहे वो उद्योग क्षेत्र से जुड़ी हो, हर जगह नवाचार और जो रिसर्च हैं R&D विंग्स हैं उनकी स्थापना हो और नए नए रोजगार के क्षेत्र पैदा करने के क्षेत्र में वो अनुसंधान करें। इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बताया गया है और कुछ रेगुलेटरी प्रोसीजर्स भी इसमें बताए गए हैं। साथ ही सरकार के द्वारा इस पहल को लागू करने के लिए अगले 5 सालों में लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत करने की योजना बनाई गई है। तो इस वीडियो में हमने जिस एरियाज़ में चर्चा की है वो है जो नई प्रणाली है हमारी 10+2 से हट के अब 5+3+3+4। इसके अलावा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, बहुभाषिता, एकाधिक प्रवेश और निकास, बहुविषयक दृष्टिकोण, समान विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा या CUET, संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन सब के बारे में हमने चर्चा की है, जिसपे NEP 2020
प्रमुख अपना फोकस रखता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।